बड़े नुकसान हो जाए। एमनेस्टी टाइप स्कीम और ये प्ली बार्गेन टाइप, मैं एक और एतबार से इनके इस रवैये के खिलाफ हूं। ख्याल है मैं एमनेस्टी का पहले दिन से मुखालिफ हूं। नुकसान हो जाए जिंदगी में, बुनियादी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपने अपने कॉलम अवारा ख्याली में एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया जो कि मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहूंगी। आपने कहा कि हजारों खरब रुपया ब्लैक मनी कहलाता है और कोनों खुदरों में सहमा और छुपा हुआ है, इसे रोनमाई की दावत आम क्यों नहीं देते? देखें, उसमें एक सादा सी लॉजिक है। आम पाकिस्तानी मेरा मुखातिब है, इस मुल्क में हजारों अरब हजारों खरब रुपया सहमा पड़ा छुपा हुआ है, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं, रुपया इस मुल्क में ब्लैक मनी की शक्ल में पड़ा है। जिनका है उनके काम भी नहीं आ रहा, मुल्क के काम भी नहीं आ रहा, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हो, वो उनको कोई एमनेस्टी वगैरह दे दो, भले नुकसान हो जाए। एमनेस्टी टाइप स्कीम और ये प्ली बार्गेन टाइप, मैं एक और एतबार से इनके इस रवैये के खिलाफ हूं। ख्याल है मैं एमनेस्टी का पहले दिन से मुखालिफ हूं। नुकसान हो जाए जिंदगी में, बुनियादी असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो उनको कोई एमनेस्टी वगैरह दे दो, उनको कोई एमनेस्टी वगैरह दे दो। चल है मैं एमनेस्टी का पहले दिन से मुखालिफ हूं। नुकसान हो जाए जिंदगी में, बुनियादी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रुपया इस मुल्क में ब्लैक मनी की शक्ल में पड़ा है, जिनका है उनके काम भी नहीं आ रहा, मुल्क के काम भी नहीं आ रहा, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हो, भले नुकसान हो जाए। एमनेस्टी टाइप स्कीम और ये प्ली बार्गेन टाइप, मैं एक और एतबार से इनके इस रवैये के खिलाफ हूं। वो उनको कोई एमनेस्टी वगैरह दे दो, रुपया इस मुल्क में ब्लैक मनी की शक्ल में पड़ा है, जिनका है उनके काम भी नहीं आ रहा, मुल्क के काम भी नहीं आ रहा, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हो। हम अखलाकियात के हवाले से पहले बदतरीन बहरान का शिकार है, बदतरीन क्राइसिस का शिकार है हम लोग। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आप अपने यूथ को यह मैसेज दे रहे हो कि तुम भी शॉर्टकट मारो, तुम भी हराम खाओ, तुम भी लूट मार करो, उसके बाद 1% दे के 5 करोड़ अपना वाइट करा लो, एक परसेंट का पोछा लगेगा। क्या उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? उसे कहोगे यार 4 साल के लिए, 3 साल के लिए तुमसे कोई सवाल नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए नहीं होगा इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। हाँ, दिस इज आई डोंट नो। लीडरशिप का बुनियादी काम होता है किसी कौम की कैरेक्टर बिल्डिंग, बाकी सारा कुछ फॉलोज दिस। अच्छा, फिर साथ उनको फैसिलिटेट भी करो, वन विंडो, यहां कोई यहां कारोबार चलना नहीं है। ये मैं तुम्हें बता दूं, जिस दिन मुझे पता लग गया कि बाकायदा उसके लिए कुछ काम हुआ है, मैं इसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि अब यह काम रुकेगा नहीं। मेरा दावा है पाकिस्तान में कारोबार नहीं हो सकता। क्या उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? उसे कहोगे यार 4 साल के लिए, 3 साल के लिए तुमसे कोई सवाल नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए नहीं होगा इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। हाँ।